नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपके लिए बिग अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें बताने वाला हूँ किस प्रकार से कौन से सिक्के सबसे ज्यादा डिमांड में हैं और वो सिक्के किस प्रकार से हम बेच सकते हैं, वो भी घर बैठे दोस्तों बिना किसी रजिस्ट्रेशन शुल्क के। सिक्के बेचने का जो जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन से तरीके को आप फॉलो करके अपना सिक्का आसानी से, सिक्का हो चाहे पुराना नोट हो, आसानी से घर बैठे बेच सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि मैं आज आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं उसके अनुसार आपका भी सिक्का घर बैठे बिकेगा। तो दोस्तों वैसे अगर हम देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो बहुत से लोग फ्रॉड करने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं, जिससे क्या सिक्के के नाम पर लोग रजिस्ट्रेशन फीस मांग के फ्रॉड करते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा मकसद, हम फ्रॉड से बचाने का जो कैंपेन लेके शुरू किया है, तो उसमें काफ़ी सारे हम सक्सेस भी हुए, जिसमें हजारों लोगों के जो फ्रॉड होने के चांस थे उनको हमने ख़त्म किया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूँ वो आज तक किसी भी आपने, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, क्योंकि दोस्तों आपको भी उसकी सख्त ज़रूरत है। साथ ही दोस्तों इन दिनों जो आपके दिमाग में भी काफ़ी सारे सवाल चल रहे हैं, जैसे कि हम ओल्ड कॉइन्स को कैसे बेच सकते हैं, कौन से वो वेबसाइट है जिनके द्वारा ओल्ड कॉइन्स खरीदने और बेचने के दावे किए जाते हैं, वो भी दोस्तों लाखों में। लेकिन दोस्तों मेरे पास एक बॉयर से आज कांटेक्ट हुआ है, उस बॉयर ने मेरे को पहले जब मैंने बात की तो उन्होंने मेरे को बताया दोस्तों कि कोई सा भी नोट कॉइन्स करोड़ों रुपये में, लाखों रुपये में नहीं बिकता, ना ही उसके बदले में 18-20 लाख का गाड़ी देते हैं, ना ही वो किलो, 2 किलो, 3 किलो सोना देते हैं। दोस्तों बॉयर ने पूरा क्लियरली पहले ही हमें समझा दिया था, क्योंकि उसने बताया था कि आप जितने भी आपसे जुड़े हुए कॉन्टेक्ट या जो भी सब्सक्राइबर है उनसे आप पहले ही वीडियो बना के ये बताइए कि आपको इतने लाखों रुपए की जो बातें होती है वो कभी नहीं मिलते। क्योंकि दोस्तों बहुत से बॉयर्स ऐसे होते हैं जो लाखों की बातें करके उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फीस मांग के। तो दोस्तों आज मैं आपको जिस बॉयर के बारे में बताने वाला हूँ उससे आपको कॉन्टेक्ट भी करवाऊँगा और बात भी करवाऊँगा, क्योंकि बॉयर ने इसलिए हमें बताया है, उनके पास जो अलग अलग वीडियोज बना के जो यूट्यूब पे डालते हैं और उनके नंबर डालते हैं, तो उनके पास जैसे ही आप कॉन्टेक्ट करते हो तो सबसे पहले आप ऐसे सवाल करते हो कि सर मुझे कितना पेमेंट मिलेगा, सर मेरा ये रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा नहीं लगेगा, अब हमारा नोट बिकेगा नहीं बिकेगा। तो दोस्तों जाहिर सा साफ सा मैं कर देता हूँ कि मैंने जितने एग्जीबिशन में मतलब अभी तक पता किया है जिन जिन बॉयर से, तो हजारों बॉयर्स ऐसे मिले जो लाखों में बातें करते, कुछ एक बॉयर ऐसे हैं दोस्तों जो हजारों में ही बातें करते हैं, क्योंकि वो बताते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट है तो इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा तो नहीं है, ये लेके 15 से 20, 25, 40 तक उनकी सीमित हो सकती है, लेकिन कुछ नोट ऐसे हैं जिनके लाख रुपए तक भी टच करते हैं। तो दोस्तों माता वैष्णो देवी वाली की प्राइस हमने पूछा तो उन्होंने बताया था कि 25,000 के अंदर अंदर वो माता वैष्णो देवी वाला सिक्का बिक जाता है। तो दोस्तों आप ये कंफर्म हो कि आप भी हजारों में, जैसे कि 50,000 समथिंग लाख के नीचे नीचे अगर अपना कॉइन्स बेचना चाहते हो तो वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज दूसरे किसी के भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रॉड होने के चांस ज़्यादातर मिलेंगे। तो आज जिन बॉयर से मैंने बात किया उनसे मैं अभी कॉन्टैक्ट करूँगा, वो किस प्रकार नोट खरीदे पूरा प्रोसेसिंग उन्हीं के मुँह से सुनाऊँगा, क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ उससे ज़्यादा बेटर रहता है कि वो जो बॉयर्स नोट खरीदता है वही बताए। तो दोस्तों आज डेफिनेटली मैं आपको पूरा सच बताने वाला हूँ, ये कॉइन्स के नाम पे जो अभी प्रोपगेंडा या जो जिसको बोल सकते हैं स्कैम बोल सकते हैं ऐसा जो फैला हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप, मैं फिर से बता देना चाहता हूं, अगर हजारों में ही आप अपना कॉइन्स या नोट बेचना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको कुछ नोट दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरे पास अभी नोट अवेलेबल है 1 रुपये का नोट, ये देखिए दोस्तों 1 रुपये का नोट है जिसके ऊपर पानी का जहाज का चिन्ह बना हुआ है, ये नोट अगर आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। दूसरा नोट आ जाता है दोस्तों, ये देखिए 1 रुपये का ये भी नोट है, इसके पीछे की तरफ उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, ऐसा भी नोट अगर आपके पास हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जिस बॉयर से मैंने बात की थी उस बॉयर ने मेरे को जो जो नोट बताए थे वो नोट मेरे पास है, इसीलिए मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, अगर आप भी किसी के चक्कर में आके कहीं गुमराह न हो। एक ये दोस्तों ट्रैक्टर वाला जो नोट बताया जाता है, ये ट्रैक्टर वाला नोट 5 रुपये का नोट है दोस्तों। आगे मैं दिखाता हूँ दोस्तों कुछ सिक्के भी मेरे पास से, मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ दोस्तों, कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ओल्ड कॉइन्स या सिक्कों के रिलेटेड आज आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। ये देखिए दोस्तों 5 रुपये का सिक्का है महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा वाला। आगे सिक्का दिखाते हूँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों 5 रुपये का ही यह सिक्का है, ये सिक्का देख सकते हो 5 रुपये का, ये है दोस्तों माता वैष्णो देवी वाला सिक्का।
इन सिक्कों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ, कौन से मिंट मार्क होते हैं, कौन से क्या होते हैं। दोस्तों एक ये आ जाता है, एक रुपये का सिक्का है दोस्तों, जिसके ऊपर देखते हैं तो टाइगर का चिन्ह बना हुआ है। आगे दोस्तों एक 5 रुपये का सिक्का आ जाता है, जिसपे कलकत्ता टर्मिनल्स का चिन्ह बना हुआ है। आगे दोस्तों एक 5 रुपये का और सिक्का आता है, जिसके ऊपर भी टाइगर का चिन्ह है। तो आप डेफिनेटली हज़ारों में बेचना चाहते हो दोस्तों, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देख लेना, आप आसानी से अपना नोट जो है घर बैठे आसानी से बेच सकते हो। बोयर के पास अभी कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, बोयर क्या बताता है हमारा नोट किस प्रकार बिकता है। दोस्तों मैं 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट को लेकर बात करूंगा दोस्तों, तो देख सकते हो दोस्तों मैंने अभी कॉल किया है, तो आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार से बात हमारा नोट बिकता है। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर। जी सर, कंपनी आंध्र प्रदेश से बोयर मोहनलाल पारिक बात कर रहा हूँ। जी क्या बताया सर? मोहनलाल पारिक बताया। कहाँ से बताया सर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से मोहनलाल जी पारिक बात कर रहे हो सर? हाँ जी सर। सर मेरे पास क्या है, एक 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट है, तो उसे बेचना है सर। अच्छा जी, तो सर आपको पहले तो है ना जी, उसकी फोटो में व्हाट्सएप पे सेंड करनी होगी। जी जी जी, आपका नोट है वो रेयर है कि नहीं? जी सर वो तो सेंड इसी नंबर पे करना है सर। सर इसी नंबर पे करना है? जी सर अभी कर देता हूँ मैं आपके पास। दोस्तों बोयर से बात हो रही है, व्हाट्सएप पे फोटो मंगाया, आंध्र प्रदेश से बताए हैं बोयर, तो देखते हैं वो किस प्रकार नोट खरीदते हैं। दोस्तों पहली बार किसी बोयर ने हमें, आंध्र प्रदेश के बोयर ने हमसे कांटेक्ट किया है, तो हम जानेंगे दोस्तों किस प्रकार से वो हमारा कॉइन्स खरीद लेते हैं नोट जो है। हेलो हेलो जी सर, व्हाट्सएप सेंड कर दिया आपके पास। हाँ जी चेक कर रहा हूँ। जी हाँ जी सर, आपके पास अगर सेम नोट है यही? जी सेम नोट है सर मेरे पास। तो सर आप हमारी नवरात्रों के बाद में आंध्र प्रदेश में एग्जीबिशन लगेगी। जी सर कमला नगर अनंतापुर में। अच्छा अनंतापुर कमला नगर में आपका एग्जीबिशन लगेगा? हाँ जी सर। तो सर किस प्रकार हम सेल कर सकते हैं और कितना प्राइस मिलेगा हमें इस नोट का? सर इस नोट का आपको लगभग 30,000 से 1,00,000 रुपए के बीच मिलेगा। अच्छा 30,000 से 1,00,000 बस? सर मैंने मतलब अलग अलग बोयर से पहले कांटेक्ट किया था और वीडियोज भी देखे थे, तो बोयर्स बताते हैं लाखों करोड़ों में रुपए मिलते हैं, गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी मिलती है, कोई बताता है 2 किलो 4 किलो सोना भी मिलता है। तो सर आपने कभी किसी को बेचा या प्राप्त? जी सर अभी तक तो नहीं बेच पाए ना नोट, तो क्यों नहीं बेच पाए सर? पता नहीं मतलब वो लास्ट में क्या है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं, तो रजिस्ट्रेशन हम देना नहीं चाहते, रजिस्ट्रेशन फीस। तो सर वो रजिस्ट्रेशन फीस के लिए ही आपको मोटी रकम का झांसा देते हैं और आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते हैं। तो सर आपकी कितनी रजिस्ट्रेशन फीस है, आप कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लेते हो? ना सर हमारी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। अब जब आप वहाँ पे आओगे ना जी हमारे अनंतापुर कमला नगर में जी, तो वहाँ पे आपको एंट्री फीस देनी होगी 149 रुपए। अच्छा वहाँ पे जो हमें सर ऑनलाइन नहीं बिकते क्या, वहीं आके देना पड़ेगा? नहीं सर एग्जीबिशन में आना होगा आपको। अच्छा सर ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है? सर क्या है कि ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन फीस लेना होता होगा ना, और गाड़ी चार्ज लगता है, इसलिए ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं है। अच्छा सर ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट आप एग्जीबिशन में जाओ और एग्जीबिशन में ही नोट बिकता है। क्या है कि सर कभी कभी कुछ लोग फ्रॉड करते हैं कंपनी के साथ भी, कंपनी की टीम को बुला लेते हैं वहाँ पे अपने पास। जी सर जी सर। ना तो उनके पास नोट होता है ना जो वो लोकेशन देते हैं वो। जी सर। तो सर फिर हमें वहाँ पे आपने जो बताया अनंतापुर कमला नगर, तो वहाँ आए तो फिर हम आपकी जो एग्जीबिशन है वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या लेके आना है हमें, या कुछ आईडी प्रूफ लेके आना है? एक तो सर अपना आधार कार्ड। जी आधार कार्ड। एक बैंक डायरी। बैंक डायरी। और सर और आपके पास दो डॉक्यूमेंट जो भी अवेलेबल है? जी सर। मूल निवास या वोटर आईडी कुछ भी? जी सर। वो लेके आना है सर। एक अपनी फोटो। जी सर मेरी फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो। जी सर। एक फॉर्म लगेगा। जी। उसके बाद आपकी जो है प्रदर्शनी में नोट की फोटो लगेगी या नोट की बोली लगेगी? जी सर। बड़ी स्क्रीन पे आपका नोट दिखाया जाएगा, उसके बाद प्रदर्शनी में जो भी अलग अलग लोग आएंगे वो आपकी प्रदर्शनी लगाएंगे। जी सर। कितने रुपए में वो खरीदेंगे नोट? जी सर। सर और ये जी फिर आपकी सहमति से नोट भेज दिया जाएगा और एग्रीमेंट पे साइन कर लिया जाएगा। जी सर। सर पेमेंट हमें किस प्रकार मिलेगा, अकाउंट में मिलेगा अदरवाइज वो जिसे मतलब कैश में या चेक मिलेगा? सर चेक मिलेगा। अच्छा चेक मिलेगा सर। हाँ जी सर। सर तो वो आपका एग्जीबिशन कब से स्टार्ट है सर? वो
नवरात्र के फर्स्ट दिन से उसका उद्घाटन है सर। अच्छा, नवरात्रों के फर्स्ट दिन से जो अनंतापुर कमला नगर में आंध्र प्रदेश में आपका एग्जीबिशन लगेगा। हाँ सर, वहाँ पे कौन कौन से सिक्के और कौन कौन से नोट बेच सकते हैं हम? जी सर, आपने हमारे नंबर साइट से लिया है या वायरल मैसेज? सर, मैंने साइट से लिया था। तो सर उस साइट पे जो जो फोटोज दी हुई है जी, नहीं सर मतलब आप भी तो बता सकते हो ना? ना सर, उसमें क्या है कि कुछ नोट व सिक्के उनकी शर्तें हमारी पूरी नहीं करता है और वो नहीं बिकते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब सर आपके कुछ डिमांडेबल नोट या सिक्के होंगे ऐसे जो जिनकी आपकी कंपनी या आपके एग्जीबिशन में डिमांड हो? एक तो 786 वाला ट्रैक्टर का नोट रहता है ना? 786 वाला ट्रैक्टर, वो 5 रुपए वाला सर? हाँ सर, मतलब 786 के दूसरे नोट वो भी चलते है, नहीं चलते सर? नहीं सर, वो जो भी चालू करेंसी में है वो नहीं चलते। क्या है, अगर उनके इतने पैसे दे के सरकार से अगर दूसरे नोट भी बनवाने थे तो बनवा सकते हैं, उनका क्या करेंगे? जी सर, और सर कौन से और अलग नोट? और अलग नोट सर मैंने बताया ना आपको, साइड में ऊपर ऊपर दिए हुए हैं। नहीं सर, डिमांडेबल नोट बताइए ना हमें, कौन सा नोट आपकी वहाँ पे एग्जीबिशन में डिमांड पे है सबसे ज्यादा? सर वो अधिक तो यही है, 5 का ट्रैक्टर वाला। अच्छा, 5 का ट्रैक्टर वाला 786 वाला नोट? हाँ, और 5 का वैष्णो देवी वाला जो सिक्का है, माता वाला। अच्छा, माता वैष्णो देवी वाला सिक्का भी डिमांडेबल में है? हाँ सर, तो मेरे पास क्या है, ये 786 के तो नहीं है, मैंने जो आपके पास ट्रैक्टर वाला नोट का फोटो सेंड किया वही नोट है मेरे पास। जी सर, आपके पास जो भी हो मिल जाएगा, आप वो जो भी शर्तें बताई हुई है जी, बस वो कम से होनी चाहिए। अच्छा सर, मतलब जो रेट लगता है वो 30 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में ही लगता है? सर ऐसा कोई नोट नहीं होता जिसका 1000 करोड़ों में आपकी जो एग्जीबिशन से उसमें रेट लगा हो? नहीं नहीं सर, अभी तक तो हमारे 1,10,000 रुपए से रेट लगी है एग्जीबिशन में, मुंबई में चला रहा था इतने दिन। जी सर, उसमें और ऐसा कोई भी नोट नहीं है जिसका 5 लाख 10 लाख या करोड़ों में बोली लगी हो। जी सर, सर और ये जानना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे पास नोट भी है तो हम वहाँ पे आके आसानी से बेच सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत ना होगा? 149 रुपए का वहाँ पे जो फॉर्म टिकट कटता है वही कटवाना है? हाँ सर, वो इंटरफेस नाम से आपको चार्ज लिया जाएगा। जी सर, रुपए का जी, उसी के बाद आपको एग्जीबिशन के अंदर जाने दिया जाएगा। जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके सर, थैंक यू। जी जी सर, दोस्तों जो बॉयर्स है आंध्र प्रदेश के बॉयर्स से हमने बात किया है, वहाँ के कमला नगर जो इलाका है उनका। अभी तक दोस्तों मैंने कमला नगर के बारे में देखा नहीं ना सुना दोस्तों, कमला नगर जो पड़ता है दोस्तों अनंतापुर में। तो दोस्तों आज मैं आपको एग्जीबिशन का डिटेल्स बता रहा हूँ, एग्जीबिशन का एड्रेस बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी भी डिमांड रहती है। तो वहाँ पे दोस्तों उन्होंने बताया है नवरात्रा के फर्स्ट डे से उनका एग्जीबिशन स्टार्ट है, वहाँ पे 786 वाले जो नोट है दोस्तों उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। दूसरा सिक्का आ जाता है दोस्तों माता वैष्णो देवी वाला।